ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। अगर अपना नई कार खरीदे के सोच रहे हैं तो अपना खातिर बड़ी और ज़रूरी जानकारी लेके आने हैं। खासतौर में अगर अपना माइलेज के चक्कर में डीजल इंजन वाली कार खरीदे के प्लान बनाए रहे हैं तो अपना थोड़ा ठहर जाइए। काहे से कि सरकार एक प्रस्ताव ले आवे वाली है जहां डीजल इंजन कार का आप बंद कर दी जाए, यानी अपना के नई कार बिना कोनो काम के हो सकत ही पे। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज़ चैनल महापूजा अपना पंचे सब जनिन का प्रणाम कही थे, शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि तेल मंत्रालय के द्वारा एक प्रस्ताव दिन गया है कि भारत में 2027 तक देश भर के तमाम प्रमुख शहरन में डीजल से चले वाले चार पहिया वाहनन के इस्तेमाल में प्रतिबंध लगा दे चाहिए। यह प्रस्ताव देश में क्लीन मोबिलिटी सॉल्यूशन का बढ़ावा दे खातिर आबा हवाई समाचार एजेंसी के मुताबिक पैनल के द्वारा वो शहर में प्योर इलेक्ट्रिक और गैस ईंधन वाले वाहन पर स्विच करे के पक्ष में वकालत की गई है जहां 10 लाख से ज़्यादा की आबादी निवास कर थी। केंद्र सरकार के द्वारा इस दौरान प्रदूषण का कम करे में काफ़ी हद तक ध्यान दिन जाला है और यही क्रम में सरकार के द्वारा बीते 1 अप्रैल का देश भर में नया रियल ड्राइविंग एमिशन BS6 फेज 2 के नॉर्म्स का लागू कई दिन गया। खबर यह आई है कि साल 2027 तक डीजल से चले वाले तमाम चार पहिया वाहन का पूरी तरीके से बंद करे के प्रस्ताव रखा गया है। यह फैसला फिलहाल केवल बड़े शहरन में लागू करे के प्रस्ताव है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के एक पैनल के द्वारा यह सिफारिश की गई है जहां भारत सरकार के सामने 4 साल बाद यानी कि 2027 तक डीजल से चले वाले चार पहिया वाहन का पूरी तरीके से बंद करे के प्रस्ताव रखा गया है। माना यह जा रहा है कि इसे पॉल्यूशन का कम करे में बड़ी मदद मिली। बता दें कि समय भारत में रिफाइंड ईंधन खपत के लगभग 5 में से 2 हिस्सा डीजल के खपत ही पे, जेकर फिलहाल 80% परिवहन क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं। देश में कमर्शियल वाहन के बेड़ा मुख्य रूप से डीजल पर चलत है। यात्री वाहन के एक बड़ा हिस्सा यही ईंधन से चल रहा है। अब देखे ये वाली बात हुई कि केंद्र सरकार के द्वारा ये पैनल के प्रस्ताव में कौनवेर के फैसला लिया जाते है और अगर सरकार के द्वारा ये पर अपनी मुहर लगाई दी जाती तो कंपनी के साथ साथ वो ग्राहकन खातिर बड़ा झटका साबित होने वाला है जिनके पास डीजल इंजन वाली कार है। टाटा मोटर सहित कई एक ऑटोमेकर कंपनी मौजूदा समय में डीजल इंजन कारन के निर्माण कर रही हैं जो उनके फिलहाल उन्हों खातिर खतरा की घंटी साबित हो सकती थी। खबर के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दे इजाजत रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। प्रणाम। एनिमेशन विजुअल इफेक्ट इन सभी में रोजगार की अपार संभावना है। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश एरिना एनिमेशन। एरिना है तो जॉब है।